उठे देनेंदर पुट्टे, सौदा लेके आने का मच्छी वाले आ रहे। अरे मच्छी वाले आए तो मैं क्या करूं जी? मच्छी वाले नहीं रहे, बच्ची वाले आ रहे भैरे पुट्टे। हाँ बच्ची वाले? हाय खालूबा, तुम्हारे बच्चे की फोटो देखे हम लोग, थोड़ी मोटी है। तो तुम्हारा बच्चा कौन सा ऋतिक रोशन है? अरे हालत हेली टालू टपली हो गई सर तुम्हारे बच्चे की, अब क्या इसको दीपिका पादुकोण है ना? अरे ऐसा बोल रहे खालूबा? हाँ नहीं तो क्या, आई खाटे पीटा घराने की बच्ची है, थोड़ी बहुत तंदुरुस्त रहेंगी ना। हाओ मैं खाली पूछी ऐसे खालूबा, गरम काई को रहे तुम? मैं भी खाली बोलिया बेटा, तू क्या वैसा दिल पे ले रही है? अब क्या तेरा बेटा भी ऐसा कोई दिखने में बट्टा खास नहीं है? ऐसा क्या बोल रहे खालूबा, मेरे बस्ती के पुटिया, मेरे खानदान के पुट्टे सारे इसके पीछे पड़े सो है, मैं इच नहीं बोल रही हूँ। मालूम ना रिश्तेदार कैसे रहते अपन के। वट्टा है तो हर बस्ती की कौन सी भी अच्छी पोटी देखो करना था उसकी शादी, मिंजा क्यों मिली है? आई नकोबा नकोबा, बस्ती की बच्ची से शादी कराए तो चुप अम्मा के घर को चली जाती हूँ, इसलिए हम दूर के रिश्तेदारों को देख रहे। हमारी बच्ची की जर्री भी टेंशन नको लो तुम्हें, हमारी बच्ची जहाँ जाती है वहीं जरा डाल को बैठ जाती है, जर्रा फर्क पड़ा कर ही नहीं, तुम ना बाहर हका डालती है देखो। क्या बोले? क्या भी नहीं। और बेटे क्या पकाने आता है आपको? कहीं को हमारी बच्ची को भूख लगी तो कौन पका को डालती? हमारी बच्ची देखो नाजो नखरे में पली बड़ी से बच्ची है बा। खालूबा मेरा बच्चा भी नाजो नखरे में पला बड़ा सो है, कचरा कुंडी में नहीं। मेरे बच्चे को सब आता, आपकी बेटी को क्या आता वो बताइए। हमारी बच्ची को देखो खाली आई तक खा को सोने आता। ऐसे खा के सो गए तो घर के काम कौन करते जी? हमारी बच्चों के तुम्हारे घर में कामा काजा करने के वास्ते भिजा रही, कामा काजा करने के वास्ते भिजा रही। घर के कामा करने में शर्म कैसी खालूबा, धोना धुलाना खाना खिलाना है तो बहू बेटी की जिम्मेदारी है ना। जिम्मेदारी गई तेल लेने, कामा काजा के वास्ते नौकरानियां रख लेना, आई नौकरानी है बहू है। देखो हमारी बच्ची से कुछ भी नहीं होता, हमारी बच्ची को खाली खाने आता, पकाने वकाने नहीं आता। अरे बेटे काटा का पड़े सो है आप? जी मैं इंजीनियरिंग करके हूँ। वो ना बेटे बिस्तर में कब तक पड़े सो है आप? जी मैं 9 बजे उठ जाता हूँ और 10 बजे ऑफिस को चले जाता हूँ। अच्छा अच्छा 9 बजे उठ को जाने से पहले जर्रा खाना पका को फ्रिज में रख को जाओ, कहूँ बोले तो हमारी बच्ची आराम से 12 बजे ताला का सो को उठी तो भूख लगती है ना उसको। अच्छा और रात में वापिस कब आती? जी 7 बजे तक। गुड वेरी गुड। रात में वापिस आते खुद रोज, एक दिन मंडी एक दिन हंडी एक दिन बिरयानी एक दिन बर्गर एक दिन पिज्जा ऐसा ला ले तो रात का खाना भी पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, और नहीं लाएगा तो तुमने पकाना पड़ता है। अरे चिच्चा अगर मैं सुबह में पकाया गया शाम में पार्सल लाए तो तुम्हारी बच्ची क्या करती? आराम करती, ऐसा बैठ को खाती। अच्छा वो आपके घर में 52 इंच की टीवी है? 52 इंच बोले तो 52 इंचेस की टीवी है। आए, काय को जी? आए, हमारे बच्चे को बड़ी टीवी में सीरियल देखने की आदत है। अच्छा सुन लिया बा, अभी बोल रहा हूँ, हमारी बच्ची को जल्दी सो जाओ बोलकर दम नहीं करना, हमारी बच्ची सोने के बाद ही तुम सोना। अभिनय शो से क्या है? मेरी बच्ची को रात में टीवी देखते हॉट कॉफी या जूस पीना बोला तो कौन बना को देता है? अरे उन्हें खुद नहीं बना ले सकती क्या? पलंग पर से उतर को, बेडरूम के बाहर जा को, किचन रूम के अंदर घुस को, चूल्हा खोल को, कॉफी बना को पीना, इतना मुश्किल काम हमारी मासूम बच्ची से नहीं होता वा। फिर क्या होता तुम्हारी बच्ची से? आई बोला ना जी तुम ना, हमारी बच्ची को खाली आईटा खाने होता है। तो फिर घर के काम कौन करते खालू बा? आई भूलने की बीमारी है काटो भी तुम ना, भूलने की बीमारी है काटो भी तुम ना। मैं बोला ना कामा काजा करने के वास्ते नौकरानियां रख लेना, खाना पकाने को एक, बर्तन धोने को एक, कपड़े धोने को एक, झाड़ू पोछे को एक, कपड़े इस्त्री करने को एक, बच्चा पैदा करने को एक, बच्चा पैदा करने को एक। नहीं 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 वो काम हमारी बच्ची को छोड़ो, उन्हें कर लेते वो। अरे देखो खालूबा हम तुम्हारी बच्ची को छोड़ देते, मेरे को नहीं करना है ये सब शादी वगैरह,
तुम्हारी बच्ची को हस्बैंड होना या नौकर होना। उठे बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना, मेरे से नहीं होता है सब। जाओ तुम यहाँ से जाओ। मैं तुम लोगों का इम्तिहान ले रहा था, मैं तुम लोगों का टेस्ट ले रहा था। कार तुम लोग थोड़े पैसे की लालच में अपना जमीन बेच देंगे बोल को। अपन जमीन काय को बेचते? अम्मी जमीन नहीं, जमीर बोल रहे हो ना। वो दलिंदर पट्टे का नाम काय को ले रहा रे? अरे अम्मी जमीर चिच्चा की बात नहीं कर रहे, जमीर अपने अंदर का इंसान की बात कर रहे हो ना। चुप बैठ बे। हम आपके बेटी समीरा को कब देखने आने का? कौन समीरा? मेरी बेटी का नाम तो रुबीना तबस्सुम है। आपके बेटे का नाम जलील? अच्छी जलील है? नहीं, अरे नहीं, मेरा नाम खलील है। खलील है? हेलो। हेलो चिच्चा। अरे कहाँ है जी, यहाँ बच्चे वाले कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जल्दी आओ। आरू रास्ते में हूँ, आरू। जल्दी आओ और आते वक्त किसी भी साथ में लाओ, इससे पहले मकबूल भाई के घर में जाकर उनकी छोटी छोरों के साथ ही तुम रिश्ते की बात कर दिए थे। आरू ने क्या वैसा कर रहे? आरू रुको। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या है ये बुड्ढे का? वो जरा गलती से मिस्टेक हो गई, वो जलील के घर को जाने का खलील के घर को आ गया मैं। एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे बड़े लोग हाँ बोल को मरी, जो भी होता अच्छे के वास्ते होते बोल को। अब ऊपर वाला भी चाह रहा होगा कि मेरी बेटी का नसीब का जोड़ा तुम्हारे बेटे के साथ है बोल को, इधर मेरे को भेजा होगा। हो सकता है। हाँ। तो जरा एक बार मेरी बेटी को फोटो देख लेती, पसंद आ गई तो हो जाए, बटे बटे बात खत्म करेंगे। बहुत खूबसूरत है मेरी बच्ची, ऐसा दिखता मेरे को ऊपर वाला, पूरी खूबसूरती मेरी बच्ची को दिया ऐसा है, इतनी खूबसूरत इतनी प्यारी बच्ची है अल्लाह, मैं बहुत खुशनसीब हूँ मेरे को इतनी खूबसूरत बच्ची। देखो मेरे टान के टुकड़े, बाबा जी अम्मा। अरे बताओ जी फोटो क्या हुआ? मेरी बच्ची की खूबसूरती देखो परेशान हो गए शायद। अरे कहाँ बेटा? देखती तुम्हें भी देखती मेरी बच्ची की खूबसूरती देखती, देखो। तुम्हारे बच्चे की फोटो देखे हम लोग, थोड़ी मोटी है। तो तुम्हारा पोता का ऋतिक रोशन है? अरे मैं तू बोल लिया, चल वैसा है तो हर बच्चे की कौन सी अच्छी पोटी जो कराना था, बस्ती की बच्ची पकड़े बस। बस्ती की बच्ची शादी करे चुपचाप अम्मा घर को जाती, बस्ती के बच्चे को शादी करे तो ठीक। फीमेल बच्ची, बस्ती की बच्ची को शादी करे नो, बच्ची की बस्ती से शादी करे तो चुप चुप हमारे घर को जाती, बस्ती की बच्ची अम्मा के घर को जाती। 52 इंचेस की टीवी है हमारे बच्चों को, मेरी बच्ची को सीरियल देखने की आदत है, तो कैसा देखेंगे टीवी न रहेंगी तो। मैंने गया गया कट। चुप बैठ बे। हम आपके बेटी समीरा को कब देखने आने का? कौन समीरा?